नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षा तकनीक से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है खाली पैकेट से शिक्षा। इस गतिविधि के क्रियान्वयन के पीछे शिक्षक की सोच थी कि छात्रों के पास भाषा का जो उच्चारण है उसकी शुद्धता का प्रायः अभाव देखा जाता है। उसका कारण जो लोकल कल्चर्स है या जो हम लोग सामान्य बोलियों में घरों पर जिस क्रम में बात करते हैं उससे कुछ न कुछ वर्तनी का दोष या उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में उसको सही तरीके से कैसे उच्चारित किया जाए, भाषा के साथ बच्चे का जो संपर्क है वो शुद्धतम रूप में हो और वह किताबों के अलावा भी अन्य जगहों से भाषा की शुद्धि के लिए या भाषा में शब्दकोश उसके पास ज्यादा से ज्यादा हो उसको जानने के लिए वह कैसे सीखे, इसके लिए उन्होंने इस गतिविधि का निर्माण किया। यह गतिविधि के निर्माण के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें शिक्षक के द्वारा एक कार्टून की व्यवस्था किया गया विद्यालय में और बच्चों को निर्देशित किया गया कि जो भी उनके घरों में या बाहर उनको कोई भी खाने का सामान या कोई भी ऐसा पैकेट मिले जो मतलब कि खाया जा चुका हो, जो खत्म हो चुका हो और वो खाली ऐसे रखा हुआ हो, कोई उपयोग ना हो, तो उन पैकेट्स को इकट्ठा करके वह विद्यालय ले आए। उसके उपरांत जब सभी बच्चे कुछ न कुछ कोई ना कोई पैकेट ले आएंगे अपने द्वारा तो उसको शिक्षक साफ करके उस गत्ते में रख देंगे। इसके बाद इस गतिविधि के क्रियान्वयन के अगले चरण में वह कक्षा में प्रत्येक बच्चे को बारी बारी बुलाएंगे और बुलाने के उपरांत उन बच्चों से कहेंगे कि आप कोई भी एक पैकेट कार्टून में से निकाल लीजिए। जब बच्चे कोई भी एक पैकेट निकालेंगे, निकालने के बाद उसको दिखाएंगे कि उन्होंने किस चीज़ का पैकेट निकाला है, वो पैकेट क्या खाने की वस्तु का था या वो किसी और प्रकार के वस्तु का वो पैकेट था, उस पैकेट पे क्या लिखा हुआ है, और उसको वो पढ़कर सबको सुनाएंगे। अगर वो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शिक्षक फिर उसको पढ़कर उच्चारण करके बताएंगे कि इसको किस तरीके से बोला जाता है। इस पूरी गतिविधि में जहां एक तरफ बच्चे का अतिरिक्त ज्ञान भी विकसित होगा, वहीं कहीं ना कहीं बच्चे का जो दृष्टिकोण है वह भी बदलेगा। वह अब बाहर वातावरण में या जो भी हमारी कम्युनिटी में जो जितने भी पैकेट्स हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। इससे उसका चिंतनशील दृष्टिकोण का भी विकास होगा और उसके शब्दकोश भी बढ़ेंगे और उसकी जो ज्ञान का स्तर है, उसका जो अलर्टनेस है पढ़ने और पढ़ाने के प्रति, वह भी तेज हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि यह नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और इस प्रकार की गतिविधि आप अपने कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरीके के कई रोचक और मनोरंजक नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।